आप लोग? अभी है शाम के 4:45। आप मुझे किचन में काम करते हुए देख रहे हैं। मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं इतनी जल्दी इसलिए इस तैयारी में लगी हुई हूँ कि मुझे शाम को एक मंदिर जाना है। ये मंदिर यहाँ से काफी दूर है, वो हनुमान मंदिर है। वहाँ से आते आते हम लोगों को रात हो जाएगी, इसलिए मैं खाने का तैयारी अभी से ही करके जा रही हूँ ताकि आने के बाद मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। हाल ही में इस तरह के चॉपर को डीमार्ट से खरीद के लाई हूँ। इसे मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और खूब अच्छे से सबको बारीक कर देता है। मेरा खाना लगभग तैयार है, मैं भी खुद तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। अभी भी मेरे हस्बैंड आएंगे और हम लोग सब मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ये सड़क बिल्कुल ही सकरी है और ये एक फैक्ट्री से होते हुए बाहर दमन की तरफ निकलेगी। मेरे हस्बैंड इसी एल्कम इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसलिए वॉचमैन ने उन्हें परमिशन दे दिया इधर शॉर्टकट से होते हुए वह दमन की तरफ निकल जाए। देखिए चारों तरफ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री, इसलिए मैं आपको स्पेशली दिखाते जा रही हूँ कि वापी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वो दोनों तरफ फैक्ट्री या फैक्ट्री ही है। आसमान थोड़ा ऑरेंज दिखाई दे रहा है। एक ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम लोग मंदिर की तरफ चले। गर्मी काफी है, बाहर हवा भी अच्छी है पर ठंडक बिल्कुल नहीं है। मंदिर जिस एरिया में है वो वापी में है पर बीच में से थोड़ा सा हम लोगों को दमन का एक हिस्सा आता है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कहाँ से दमन शुरू हो जाता है, कहाँ से वापी शुरू हो जाती है। कहीं वापी मीन्स गुजरात, गुजरात वापी का ही एक राज्य है। अब ये हम लोग दमन से होते हुए फिर गुजरात में टर्न करके मंदिर जाएंगे। ये मंदिर कलगांव में है, जगह का नाम कलगांव है और बहुत ही फेमस और बहुत पुरानी मंदिर है। इस तरह के लॉन्ग ड्राइव में बहुत मजा आता है। सामने का सीन बहुत ही सुंदर है, ऊंचे पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम गुजरात में हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी हिल स्टेशन की सैर पे आए हैं। हम लोग मंदिर के नजदीक पहुंच गए हैं। मंदिर में काफी भीड़ है, शनिवार को बहुत भीड़ रहती है। ये मंदिर के अंदर जाने के लिए स्पेशल पार्किंग एरिया बनाया गया है। गाड़ियों की इतनी भीड़ होती है कि मंदिर के अगल बगल गाड़ी रखना पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी लेते हुए अंदर की तरफ चले। आपको भीड़ आती हुई दिखाई देगी या गाड़ियों को देख के आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी भीड़ है। और ज्यो ज्यो रात बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी क्योंकि सब ऑफिस से छूटने के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। खिलौने की बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, हम मंदिर के कंपाउंड के अंदर चलें। पिछले पहले वाले क्लिप में मैंने यहाँ का ओरिजिनल घंटी का आवाज आपको सुनाया, इससे बहुत मंदिर वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे स्पेशली हनुमान जी को तिल का तेल और नारियल चढ़ता है। चलो हुआ मंदिर में तब से आती हूँ जब पेड़ के नीचे से हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब इस मंदिर को बहुत डेवलप कर दिया गया है। आगे प्रणाम करते हुए मैं मंदिर के अंदर प्रवेश की। मैं आपको हनुमान जी की छोटी सी एक झलक दिखाऊंगी, यहाँ फोटो खींचना मना है। आज मंदिर में काफी भीड़ है, इसी पेड़ पे हनुमान
हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस मंदिर के प्रति लोगों में बहुत आस्था है। कहा जाता है कि यहाँ पे किसी ने हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित नहीं किया, वह स्वयं प्रकट हुए। इधर मंदिर के अगल बगल के स्टॉल का बड़ा पाव बहुत फेमस है, जिसे खाने के लिए हम लोग एक दुकान में गए। पार्किंग एरिया में आपको अंधेरा दिख रहा है क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। अब हम लोग घर जाने के लिए निकले। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।